क्या हुआ जब काशी का मंदिर तोड़ने पहुंचे मजदूर? महादेव का हुआ ऐसा चमत्कार कि देखने वाले भी रह गए दंग। दिव्य काशी, भव्य काशी और अकल्पनीय काशी, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी। कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसे भगवान शिव और काल भैरव की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर हुए लोकार्पण के दौरान एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसे देख सभी हैरान हो गए और मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय जयकार गूंजने लगे। दोस्तों, माना जाता है कि काशी के हर कंकर में शिव शंकर बसे हुए हैं। इस शहर का नाम भी वाराणसी, वरुणा और असी नदी के संगम से पड़ा। इस दो नदियों के बीच तथा गंगा नदी के तट पर बसा ये शहर भगवान शिव को अति प्रिय है और इसी शहर में हुए चमत्कार के बारे में हम आपको आज बताने जाने वाले हैं। 35 वर्षीय आनंद किशोर ने हमें बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वे भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं और वो एक मजदूर के रूप में यहाँ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें भगवान शिव की भूमि के काम करने को मिला, सौभाग्य मिला। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा जब वो इस धरती पर काम कर रहे थे तो उन्हें इस पावन धरती पर अलग अलग चमत्कार देखने को मिले, जिससे उनकी आस्था और भक्ति भगवान शिव के प्रति और भी ज्यादा गहरी हो गई। आनंद किशोर बताते हैं कि मंदिर के कॉरिडोर निर्माण के लिए जब वो आसपास वाले मकानों तथा मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। जैसे ही उन्होंने मंदिरों तथा मकानों को हटाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया तो वहां पर बने मकान तो उध्वस्त हो गए, लेकिन जैसे ही मंदिरों को हटाने के लिए मशीन चलानी शुरू की तो वे अचानक से बंद पड़ गई। इसके बाद दूसरी मशीन को वहां पर लाया गया। जैसे ही मशीन विश्वनाथ मंदिर के आसपास बने छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ने वाली थी कि वहां मशीन भी बंद पड़ गई। एक एक करके लगातार 4 मशीनें बंद पड़ी, जो वहां पर काम कर रहे मजदूरों तथा कर्मचारियों को कुछ समझ ही नहीं आया। जब अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो वे भी दंग रह गए। आखिर नई मशीनें बिना खराबी के कारण कैसे बंद पड़ सकती है? मंदिर के एक पुजारी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि स्वयं महादेव भी नहीं चाहते कि ये सभी मंदिर यहाँ से हटाए जाए, अतः इन्हें यहाँ से ना हटाए। पुजारी की बात सुनकर अधिकारियों ने भी ये फैसला लिया कि मंदिर के आसपास बने सभी मंदिरों को वहीं पर रहने दिया जाएगा। इसके बाद वो मशीन अपने आप चलने लग गई। मंदिरों को वहां से हटाने का कार्य रोक दिया गया और इनकी साज सज्जा के लिए भी उन्होंने कर्मचारी लगा दिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके बाद आनंद किशोर ने हमें यहाँ पर हुए एक और चमत्कार के बारे में बताया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आनंद किशोर ने बताया कि कार्य के बाद वे और उनके साथी काशी विश्वनाथ मंदिर के शिव की श्रृंगार आरती में शामिल हुए थे। आरती के समय पुजारी ने दीप जलाए और आरती शुरू हुई, साथ में घंटियां भी बजने लगी। आरती के दौरान मंदिर परिसर घंटियों की ध्वनियों से गूंजते हुए मनमोहक लग रहा था। सभी भक्त इस श्रृंगार आरती में मग्न थे कि तभी भगवान की आकृति शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूलों में उभर आई, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय जयकार से गूंजने लगा। इस अद्भुत नजारे को देख हर कोई हैरान था। मंदिर के पुजारियों का भी कहना था कि महादेव के इस अनोखे चमत्कार को देखने का सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त हुआ और सभी भगवान शिव के दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।